लोक जनशक्ति पार्टी संवाददाता सम्मेलन के कार्यक्रम में रविशंकर कुमार उर्फ छोटू के नेतृत्व में करीब 40 युवाओं तथा समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष नौशाद अहमद ने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान के समक्ष पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र द्विवेदी, कल्चर प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजीव सिंह, महिला प्रकोष्ठ की नेहा सिंह, प्रदेश सचिव शिवजी कुमार, संसदीय बोर्ड के आनंद प्रकाश पांडे, रांची जिला के अध्यक्ष दिनेश सोनी मंच पर उपस्थित रहे। झारखंड प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान ने बताया कि लोक जनशक्ति पार्टी समाज के गरीब गुरबों, पिछड़ों, समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले लोगों के हित के लिए राजनीति करती है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान का नारा है, उस घर में दिया जलाएं सदियों से जहां अंधेरा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के इसी विचार को आत्मसात कर प्रदेश लोजपा कार्य कर रही है। श्री संगठन के बारे में था और संगठन के बारे में बतलाया, कुछ लोग ज्वाइनिंग था, काफी लोग ज्वाइनिंग किए और मुख्यतः जो था, जो हम लोग जिसमें चिंतित थे, बहुत बड़ा राज्य का जो समस्या था, जिसमें गोंदा समाज के लोग हैं जो हमारे बगल में खड़े हैं, प्रेसिडेंट हैं और बहुत अधिकारीगण हैं, सचिव हैं, 7 लाख की इनकी आबादी है और विगत लंबे समय से अभी तक इन लोगों को डिसाइड नहीं हो पाई है कि किस जाति से बिलोंग करते हैं, कोई पहचान पत्र वगैरह नहीं है। इन सब समस्याओं को फिर एक घटवाल समाज का जो था 30-32 लाख लोग, उनका भी यही सेम समस्या है, उसमें भी 71 वर्षों से वो लड़ाई लड़ रहे हैं, सारी लड़ाई लड़े, गवर्नमेंट का सारा आदेश हो चुका है, नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हो पाया है। इन सब समस्याओं को लेकर हम, ये था, फिर अनुबंध पदाधिकारियों का था जिसमें मनरेगा कर्मी और शिक्षक का, सुइया का, मतलब काफ़ी जो उसमें जो भी लोग हैं, उसमें जो स्वास्थ्य भी जो लोग रिलेटेड हैं, सारे लोग हैं उसमें, करीब उनकी भी आबादी 6 लाख करीब है जो राज्य में है, और ये सारे के सारे जो हैं बैठे पड़े हैं और कोई काम नहीं हो पा रहा है। इससे हर क्षेत्र में जो है इसका कुप्रभाव पड़ रहा है। तो हम लोगों ने बड़ा गंभीरता से पार्टी हमारी ली है और इसको हम लोगों ने राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत कराया और माननीय रामविलास पासवान जी ने इसको उसी त्वरित गति से इसकी कार्रवाई की है और राज्य सरकार को भी उन्होंने कहा है कि इसको अब शीघ्र इसका निर्णय कीजिए और इन बातों को हम लोगों ने ऊपर भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय के यहाँ भी पहुँचाने का कार्य किया है।